ओम प्रकाश राजभर असलम से ओम प्रकाश हुए कि अभी असलम ही है। अब ये उनसे पूछ लीजिए, आप बताते थे कि आप असलम है, असलम है। नहीं देखिए, अब मैं साफ कर दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे नेता परम श्रद्धेय गृह मंत्री जी ने फैसला लिया, उन्हें साथ लेकर आए, हम लोग स्वागत करते हैं, मिलजुल कर हम लड़ाई लड़ेंगे और पूरा उत्तर प्रदेश को जीतेंगे हम लोग। असलम है कि ओम प्रकाश, ये बता दीजिए। ओम प्रकाश जी अब वो भाजपा में आ गए, अब असलम हो गए। ओम प्रकाश राजभर ने अभी कल एक बयान, उनका सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है कि वो एनडीए का हिस्सा है, दारा चौहान के लिए वोट नहीं मांगे। ये अपने उनके अपने निजी राय हैं। अब ओम प्रकाश राजभर जी अपना बोलते हैं, आप लोग पूछते हैं, वो बोलते रहते हैं, तो उनकी बात तो आप उनसे करें अच्छा रहेगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि घोसी का बाई इलेक्शन 50,000 वोट से हम जीतने जा रहे हैं। हर चुनाव भाई, हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं। आपने निकाय चुनाव में भी देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का दौरा हर जगह लगा, बैठकें किया उन्होंने, सभाएं की। अभी यहाँ जो बाई इलेक्शन है, योगी जी आने वाले हैं, वो आएंगे, और क्यों नहीं होगा। हम विकास की बात करते हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। आज हम सरकार चला रहे हैं तो हमारे सरकार के मुखिया के नाम पर मतदान होगा, देश चला रहे हैं पूज्य मोदी जी, उनके नाम पर मतदान, जनता। तो मैंने शुरू में कहा कि हम जैसे कार्यकर्ताओं का क्या है, जो देश का गरीब है, कमजोर है, कामगार है, नौजवान है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, अगड़ा है, सारे लोग आज मोदी जी के साथ चट्टान की